जप नाम, बाबा जी की सदा ही जय हो। अब आश्रम का सीजन 3 हो गया है रिलीज और उसी का रिव्यू मैं आज करने वाली हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि मैंने आश्रम का सीजन 1 और सीजन 2 बिंज वॉच किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो इस शो से आप समझ ही गए होंगे। और ये भी बता दूं कि इन केस आपने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा है तो पहले यार वो देख लो, क्योंकि सीजन 3 ना उसी का कंटिन्यूएशन भी है। यस, तो जहाँ सीजन 2 को खत्म किया गया था ठीक वहीं से सीजन 3 को भी शुरू किया गया है, जहाँ पम्मी आश्रम से भाग चुकी हैं और भोपा और उनकी टीम उसको ढूंढने में लगे हैं। पम्मी पर अपने भाई और बाबा के खून का झूठा इल्जाम भी लगा हुआ है, तो पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। वहीं बाबा निराला की जिद है कि उन्हें पम्मी चाहिए, वो भी सही सलामत। ऐसा लगता है कि बाबा को शायद पम्मी से प्यार हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। इस शो में न्यू एंट्री हुई है ईशा गुप्ता की, और अगर आपको लगता है कि पूरे सीजन में आपको ईशा गुप्ता दिखेगी तो आप गलत है। दरअसल शो के है 10 एपिसोड्स और हर एपिसोड है ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स का, जिसमें ईशा गुप्ता की एंट्री होती है एपिसोड नंबर 5 में एज हुकुम सिंह, द करंट CM's फ्रेंड। ऐसे ही कहानी चलती रहती है, इनफैक्ट खिंचती रहती है। वही डर्टी पॉलिटिक्स, वही पम्मी का इधर से उधर भागना छुपना, लोगों की बाबा में अंधी श्रद्धा अंधी भक्ति, बस यही सब कुछ रिपीट होता रहता है। बस हाँ, इस सीजन में ऑफ कोर्स बाबा का रुतबा काफी बढ़ गया है, सीएम उनके पूरी तरह कंट्रोल में हैं और बाबा अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करना चाहते हैं। एक कैरेक्टर में अगर थोड़ी डेवलपमेंट दिखाई गई है तो वो है बबीता का कैरेक्टर, जो अब साध्वी बन चुकी है और उनके साथ भी एग्जैक्टली वही होता है जो पहले साध्वी माता के साथ सेकेंड सीजन में हुआ था, क्योंकि अब बबीता के सामने खड़ी है ईशा गुप्ता यानी सोनिया। अच्छा, यहाँ एक डिस्क्लेमर है कि स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स बहुत ज्यादा स्लो है, हो सकता है कि आपका मन करे कि आप उसको बीच में ही छोड़ दें, बट वेट, 5th एपिसोड से थोड़ा पेस बढ़ने लगता है और वहीं से थोड़ा इंटरेस्ट भी सीजन में आने लगता है। इस सीजन की सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यही है कि इस सीजन को बहुत खींचा गया है, 10 एपिसोड है लेकिन काफी खींचा गया है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि इस सीजन में हमें पम्मी पहलवान थोड़े एक्शन में दिखेगी, बट अनफॉर्चुनेटली पम्मी पहलवान के कैरेक्टर को कुछ डेवलप ही नहीं किया गया है, बहुत जगह इनफैक्ट उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। ईशा गुप्ता की एंट्री हुई तो है एंड ऑफ कोर्स वो ग्लैमर इस शो में लेकर जरूर आई हैं, और उनका इनफैक्ट एक सॉन्ग भी है जिसका नाम है परम सुख, बट ईशा के कैरेक्टर के साथ और भी बहुत कुछ किया जा सकता था बट होता नहीं है। हाँ, एक बात है कि लास्ट के एपिसोड्स में निराला बाबा उर्फ मोंटी की बैकग्राउंड स्टोरी को भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है, जहाँ पर दिखाया गया है कि भोपा और उनकी दोस्ती कैसे हुई थी, बट हाँ पूरी तरह कुछ नहीं दिखाया। एक्टिंग की बात करें तो एक्टर्स सभी लाजवाब है एज यूजुअल। भोपा यानी चंदन रॉय सान्याल ने कहीं ना कहीं इस सीजन में बॉबी देओल को पूरी टक्कर दी है अपनी अग्रेसिव एक्टिंग से। बहुत सारे कैरेक्टर्स को कोई खास सीक्वेंसेस नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि उजागर सिंह, उनके कैरेक्टर में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इट्स फाइन, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है लास्ट के सीजन से। बाकी डायरेक्शन इज ऑफ कोर्स बाय द ग्रेट प्रकाश झा एंड इट्स डेफिनेटली गुड, बट ये सीजन 3 कहीं ना कहीं मार खाता है अपनी राइटिंग में। 10 एपिसोड्स यू नो बहुत होते हैं कुछ दिखाने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए, बट न्यूनेस इज अगेन मिसिंग। हाँ, विजुअल्स ग्रैंड है, सेट काफी बड़ा और काफी खूबसूरत है, एंड वो तो ऑफ कोर्स होना ही था क्योंकि प्रकाश झा की फिल्म है, बट वो बात नहीं है, वो एक्साइटिंग, वो थ्रिलिंग बात नहीं है जो हम लोग सीजन 3 में एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अब आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि सीजन 3 आश्रम का लास्ट सीजन होगा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे पूरी तरह कंप्लीट ही नहीं किया गया। अब आपको वेट करना पड़ेगा शायद एक और सीजन का जिसमें बाबा को एक्सपोज किया जाए। इस सीजन के लास्ट के एपिसोड में दिखाया गया है कि इस शो का सीजन 4 भी आएगा और वो रिलीज होगा 2023 में। वेल, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो सीजन 3 थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 2 ने काफी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। सीजन 3 और भी ज्यादा आई थिंक इंटरेस्टिंग हो सकता था। इसी के साथ मैं दे रही हूँ आश्रम सीजन 3 को 3 स्टार्स। अगर आपने नहीं देखा है तो देखना जरूर, क्योंकि सीजन 3 एटलीस्ट 1 टाइम वॉच तो है ही। अगर आप लोग आश्रम की सीरीज को फॉलो करते आ रहे हो तो सीजन 3 देखना ऑफ कोर्स मस्ट है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो जब भी आप लोग आश्रम के सीजन 3 को देख ले, और मुझे बताना जरूर कि आपको कैसा लगा।